सब्सक्राइब कीजिए अमीन इन्फो को और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियो को सबसे पहले देख पाए। हेलो एवरीवन, आप बने हुए हैं अमीन इन्फो के साथ और आज की इस वीडियो में मैं आपको यूपी टेट के बारे में बताऊंगा, यानी उत्तर प्रदेश टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसका प्रोसीजर जो है वो बताऊंगा आपको और इसकी एलिजिबिलिटी और लास्ट डेट कब तक है वो सब आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों यूपी टेट जो होता है वो उत्तर प्रदेश टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जिसके थ्रू आप यूपी के अंदर प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल पर स्कूल में पढ़ा सकते हैं। दोस्तों इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो 18 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट जो है 4 अक्टूबर है। इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ीस, यानी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है, उसकी लास्ट डेट 5 अक्टूबर है और आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो प्रिंट कर सकते हैं 6 अक्टूबर तक। दोस्तों सबसे पहले आपको यूपी बेसिक एजू बोर्ड डॉट जी ओ वी डॉट इन की वेबसाइट पर जाना है। यहाँ देख सकते हैं आप, चार स्टेप आपको नज़र आएंगे। फर्स्ट स्टेप में पहले आपको गाइडलाइन पढ़नी है, यानी उसकी एलिजिबिलिटी और फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर क्या है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके भी आप देख सकते हैं। स्टेप टू है आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है और एप्लीकेशन फॉर्म, फिर उसको आपको जो रजिस्ट्रेशन जाएगा उसका प्रिंट लेना है। फिर स्टेप थ्री जो है आपको फ़ी पेमेंट करनी है और स्टेप फोर जो आपका फ़ी पेमेंट के बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उसको प्रिंट करना है वो फर्दर प्रूफ के लिए। तो ये बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में। देखिए दोस्तों यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन पेज नज़र आएगा, यहाँ आपको सब अपनी गाइडलाइंस भरनी है 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। सबसे पहले आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट भरनी है, फिर अपना नाम, मदर नेम, फादर नेम वगैरह, अपना एड्रेस वगैरह सब आपको यहाँ भरना है, टेलीफोन नंबर, मैरिड स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, अगर ओबीसी कैटेगरी है तो आपको अपना सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, उसके साथ अपलोड करना पड़ेगा। आर यू डिसेबल्ड, इशू टाइप, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, यानी प्रेफरेंस भी लिखना है लैंग्वेज में आप किस में जाना चाहते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, यहाँ अपना प्रेफरेंस दे सकते हैं। ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन, यानी वही जो एलिजिबिलिटी है उसमें जो ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन आपके पास है वो आपको यहाँ फिल करनी होगी, जिसे यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पूछ रहे DLED फॉर्मली नोन एज BTCT रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसके अलावा जो है DAD DD विशेष विशेषज्ञ, सब यहाँ आपको आपको सेलेक्ट करनी होगी अपनी इसके अकॉर्डिंग। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट और मास्टर की मार्क्स यहाँ पे आपको अपलोड करने हैं। सबसे पहले फुल नेम ऑफ बोर्ड, यानी किस बोर्ड से आपने इंटरमीडिएट हाई स्कूल पास किया, ईयर ऑफ पासिंग, सीरियल नंबर वगैरह वो सब, सर्टिफिकेट रोल नंबर लिखना है, मार्कशीट नंबर लिखना है, मैक्सिमम मार्क और मार्क स्कोर सब यहाँ लिखना है आपको। इसके बाद आपको यहाँ पे फोटो आइडेंटिटी कार्ड लगाना है, यानी टाइप क्या है, यहाँ सेलेक्ट करेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस मांग रही है, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कोई भी आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने पासपोर्ट सेलेक्ट करा तो यहाँ पे पासपोर्ट का जो आइडेंटिटी नंबर होता है वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। इसके अलावा अपना फोटोग्राफ आपको यहाँ अपलोड करना है, इसका मैक्सिमम साइज़ 20KB होगा और फोटोग्राफ में आपका सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ कैप्शन कोड लिखेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करना है आपको। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको OTP आएगा फ़ोन पे, OTP डाल दीजिएगा, फिर OTP के बाद एक फॉर्म आपके सामने आ जाएगा जिसमें जो आपने डिटेल फिल करी होंगी वो सब आपको दिखाई देगा। उस फॉर्म के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो नोट कर लीजिएगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करने के बाद आपको फ़ी पेमेंट करनी होगी। फ़ी पेमेंट के लिए आप वापसी जो वेबसाइट है वहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे डिपॉजिट एप्लीकेशन फ़ीस, तो यहाँ आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ और ये कैप्शन कोड लिखकर प्रोसीड टू सबमिट फी पे क्लिक करना है। दोस्तों उसके बाद आप यहाँ इस पेज पर आ जाएंगे जहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आप क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं। आप तीनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर पेमेंट कर देंगे। यहाँ पेमेंट करने के बाद आपको फिर फी रिसीव आ जाएगी, फिर इसी बार प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों फीस भरने के बाद फिर आपको
वेबसाइट पर जाना है और स्टेप 4 यानी प्रिंट योर फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ और कैप्शन कोड डालकर फाइनल लॉक एंड प्रिंट योर एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, तब आपका एप्लीकेशन फॉर्म जाएगा, उसको प्रिंट करना है। तो यह था UPTET का TET का प्रोसेस। आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट करके मुझे बताइए।